प्रियंका संभव आपके साथ और हाजिर हूँ हेलो मनी नाइन लेकर। मंडेस को हमारा फोकस रहता है इनकम टैक्स पर और अभी तो ये जो पूरा अप्रैल का महीना है यही टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर अगर आप नौकरी पेशा हैं और सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको अपने दफ्तर से एक मेल आ चुका होगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन बताइए, बताइए आप कौन सी रिजीम के तहत इनकम टैक्स फाइल करने वाले हैं और अगर आपने ये रिजीम का सिलेक्शन नहीं किया तो क्या होगा, ये होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएंगे क्योंकि अब न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल सर जुड़ चुके हैं। विनोद सर नमस्ते, स्वागत है आपका। थोड़ा सा विलंब हुआ मेरे एंड में आज, लेकिन चलिए दूर आए देर आए दुरुस्त आए हम शो शुरू कर पा रहे हैं आपके साथ। वेलकम सर, और मैं चाहूंगी कि जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो अगर विनोद सर को अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो प्लीज भेजें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और लाइव अगर आप हमें देख रहे हैं तो राइट हैंड में आप देखेंगे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए विनोद सर को इनवाइट करते हैं, शुरू करते हैं बातचीत। आज थोड़े से शुरुआत में गड़बड़ हो गई मेरे एंड पे। विनोद सर सबसे पहले तो ये बताइए कि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने की बहुत कोशिश की है इस बजट में भी, आपको क्या लग रहा है कि कैसे न्यू टैक्स रिजीम अट्रैक्टिव हुई है? ये जो चेंजेस लेकर आए हैं बजट 2023 में हमारी वित्त मंत्री जी, उससे आपको भी लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव हो गई है? नमस्कार मनी नाइन के दर्शकों को, मेरा नमस्कार। और प्रियंका जी आप चिंता मत कीजिए, खांसी आना अच्छा एक संकेत होता है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। देखिए सरकार जो है कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम से निजात पाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह के एग्जम्पशन रिडक्शंस के लिए ना तो वो पेपर की वेरिफिकेशन में जाना चाह रही, क्योंकि सरकार फेसलेस की तरफ जा रही है। तो फेसलेस की तरफ जाने के लिए जितना क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है उन चीजों को छोड़ करके बाकी सरकार उससे हटना चाहती है। आपके सवालों के जवाब, वैसे तो ये टॉपिक हम पूरा साल भर हो गया हमें डिस्कस करते हुए, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल होवर अराउंड करता है सबके आसपास सुबह से लेकर शाम तक बहुत बार कि कौन सा टैक्स रिजीम अच्छा है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने सबसे पहले तो जो इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 7 लाख रुपए कर दी थी, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ये 5 लाख रुपए थी। मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात अलग से कर रहा हूं, वो 2,50,000 और 3 लाख रुपए थी। लेकिन ये वो अमाउंट है जिस पर सरकार टैक्स नहीं, सरकार ने कहा कि कोई टैक्स नहीं लेंगे अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजीम में है, लेकिन नए टैक्स रिजीम में अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने जिस सेक्शन का सहारा लिया वो सेक्शन 87A है जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ की बात करता है। तो उस मार्जिनल टैक्स रिलीफ में ओल्ड टैक्स रिजीम में हमको जो छूट मिलती थी वो 12,500 रुपए की थी, जिसको बढ़ा करके सरकार ने उसको 25,000 रुपए कर दिया। मतलब सरकार अपनी तरफ से 25,000 रुपए की आपको टैक्स में छूट दे रही थी। ये उन लोगों के लिए जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है। तो जिनकी आय 7 लाख है उनको टैक्स किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा जो चेंज लाए वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में हुआ करती थी उसको भी उन्होंने चेंज करके न्यू टैक्स रिजीम में भी लेके आ गए। तो एक शिकायत जो सैलरीड क्लास की थी कि मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन वहां मिलता है और यहां नहीं मिलता, तो वो उन्होंने दोनों टैक्स रिजीम में दे दी। तीसरा उन्होंने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिनकी आय 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, क्योंकि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल कराना चाहती है। तो और ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि हमारे देश में 1 करोड़ से ऊपर जो रिटर्न भरने वाले लोग हैं वो 1 लाख से भी कम, और जबकि हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत हमको मिलियनर और बिलियनर दिखते हैं और हम बहुत कुछ टेलीविजन चैनल्स पर उनके फंक्शंस भी देखते हैं, लेकिन रिटर्न भरने वाले लोग इतने कम हैं। तो सरकार भी इस बात से चिंतित है और ये चिंता का एक कारण है। तो 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी आय है तो सरकार ने उसका जो सरचार्ज है वो पर्टिकुलर ओल्ड टैक्स रिजीम में, लास्ट स्लैब की बात कर रहा हूं, बाकी स्लैब उन्होंने सेम रखे थे, लेकिन अगर आपकी आय 5 करोड़ से ऊपर है तो उसको घटा करके 25% कर दिया है, जो पहले 37.5% ओल्ड रिजीम में लगता है। ओके। अब क्योंकि बाकी स्लैब्स में भी टैक्स का रेट भले ही सरचार्ज का उन्होंने सेम रखा है, लेकिन क्योंकि सरचार्ज लगता तो टैक्स पर है, और जब टैक्स ही तो उन्होंने टैक्स के स्लैब ही चेंज कर दिए। अब आपके पास 5 टैक्स के स्लैब है, 3 लाख तक टैक्स फ्री है,
3 से 6 5% है, उसके बाद 6 से 9 10, 9 से 12 15, 15 आपका 15 से ऊपर जाकर के आपका 30% का स्लैब है। तो टोटल शायद मैं कहीं 12 से 15 वाले में 20% स्लैब है। तो ये जब आप इसको देखते हैं तो टैक्स क्योंकि कम हो गया तो सरचार्ज भी उसी हिसाब से कम हो जाता है, तो ये भी एक बेनिफिट देता है। दूसरा न्यू टैक्स रिजिम में आपको एडवांटेज है, जो हम पहले भी बात कर चुके कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब वो आपको कंपलसरी इन्वेस्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। और उसका नतीजा हमारे सामने है कि स्टॉक मार्केट जिस तरह से बूम कर रहा है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि कुछ ऐसा पैसा है इन्वेस्टमेंट्स का जो स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में एक सैलरीड क्लास अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर किसी तरह की बंदिश नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2023 में जो 3 अमेंडमेंट्स और आई थी, जो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ कर दी उन्होंने, वो था लीव ट्रेवल अलाउंस, जो 25 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हुआ वो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको मिलेगा। इसी तरह से ग्रेचुटी आपको 20 लाख रुपए तक की न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्प्ट है, और इसी तरह से अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो भी आपको 5 लाख रुपए तक का कोई स्वेरेंस या जो भी बेनिफिट्स है वो सब आपको टैक्स फ्री कर दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोविजो है, मैं जो यहीं पे जोड़ना चाहूंगा, दो कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं। नंबर एक कि आपको जो टैक्स रिटर्न है वो टाइम से फाइल करनी है। अगर आपने 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जो दो ड्यू डेट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस में फॉल करते हैं, अगर आप उसके बाद फाइल करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज ही नहीं कर सकते, आपको न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि 2023 से अब हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो न्यू है, ओल्ड नहीं है। पहले उससे पहले हम न्यू को चूज करते थे, अब हमें ओल्ड अगर चाहिए तो हम चूज करते, अदरवाइज हमारा टैक्स रिजीम जो है वो न्यू माना जाएगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम बहुत अट्रैक्टिव है, आपको बहुत फायदा देता है। आपको जरूर एक बार चेक करना चाहिए कि मुझे किस में फायदा है, क्योंकि सर्टिड क्लास में आपको शिफ्टिंग करने के लिए किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग। विनोद सर, आपने अभी बात की ना वो जो डिफॉल्ट वाली, उस पर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अभी क्या हो रहा है, एचआर डिपार्टमेंट सारी सैलरी लोगों को मेल भेज रहा है कि भाई बताइए कि फिनेंशियल ईयर 24-25 में आप कौन सी इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इस ये गाड़ी छूट जाए या ध्यान नहीं दे और टैक्स रिजीम नहीं सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और उनका टीडीएस फिर नई रिजीम के हिसाब से कटेगा, क्या उनको क्या करना चाहिए अगर उन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया तो? देखिए, अगर तो वो स्पेसिफाई ही नहीं करते हैं तो बिल्कुल एम्प्लॉयर जो है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स काटेगा, क्योंकि उनके पास कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं, आपने चूज ही नहीं किया, कोई सिलेक्शन आपने नहीं किया है। क्योंकि अगर आप ओल्ड को चूज करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कराने हैं उसके लिए, और उसको एम्प्लॉयर को चेक भी करने हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल टीडीएस न्यू टैक्स रिजीम में कटेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि ये रेल छूटने वाला सीन नहीं है, आप रिटर्न भरने तक भी आपके पास ऑप्शन है सैलरीड क्लास के पास कि वो जो चाहे वो टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उनका टीडीएस नए टैक्स रिजीम में कट गया है और उनको रिटर्न भरते वक्त लगता है कि उनको ओल्ड ज्यादा फायदेमंद है, तो सरकार ने इसकी छूट आप लोगों को दी हुई है। इसी तरह से आपको लगता है कि मेरा न्यू टैक्स रिजीम है, मैंने टीडीएस ओल्ड में कटवा लिया है, तो आप न्यू को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जिस दिन तक आप रिटर्न फाइल करते हैं, मेरी फिर वही कंडीशन है कि आपको रिटर्न जो फाइल करनी है वो बिल्कुल ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है, ड्यू डेट तक आपको फाइल करनी है, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है, तब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सेलेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर हम रिजीम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भाई आपका टीडीएस जो है वो न्यू रिजीम के तहत काटा जाएगा, लेकिन जब रिटर्न भरने का वक्त आएगा अगले साल तो आप चाहें तब आप कह सकते हैं, आप अपनी रिजीम बदल के रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि न्यू रिजीम में आपको घाटा हो रहा है तो। अब वो सवाल ये बताइए विनोद सर कि कैसे टैक्स पेयर ये डिसाइड करे कि मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी या मैं डिफॉल्ट रिजीम के साथ बना रहा हूँ। आपके क्या वो उसमें मंत्र क्या है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कि आप कैसे सिलेक्ट करें? देखिए, मंत्र एक तो ये है कि अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं तो बिल्कुल आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइए, क्योंकि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है। और दूसरा जो मूल मंत्र है, जो आयकर का मेन मंत्र है, क्योंकि यहां पैसों के लेन देन की बात हो रही है, सरकार को पैसा देना है, तो जिसमें आपको फायदा हो आपको उसमें जाना है। मैं आपको 3 स्लैब बता देता हूं।
लेकिन आपको उसके साथ कंपेयर करना है कि मैं किस में फॉल करता हूं और मेरी ये सेविंग्स हैं या नहीं है। नंबर वन, अगर आपकी आय 9 लाख रुपए तक है, मतलब आप 7 लाख को क्रॉस कर गए हैं, 7 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं, और आपकी 9 लाख तक आय है, और आपने आपके पास जो छूट लेने के लिए अमाउंट है, जिसमें आप ATC का रिबेट ले रहे हैं, आप हाउसिंग लोन का ले रहे हैं, आप मेडिक्लेम का ले रहे हैं, जो सेक्शन 80 के रिबेट जो न्यू टैक्स रिजीम में वैसे आपको नहीं मिलते हैं, 2,13,000 रुपए तक अगर आप डिडक्शन लेना लेते हैं, तो आपका जो ओल्ड और न्यू एट पार आ जाता है, मतलब आप 1 रुपया ऊपर जाएंगे तो न्यू फायदेमंद है, 9 लाख रुपए तक आप इक्वल रहेंगे। इसी तरह से आप 10 लाख रुपए तक अगर रहते हैं और डिडक्शन आपके 2,50,000 रुपए तक है, 2,50,000 रुपए तक के अगर आपकी डिडक्शन है, तो आपका टैक्स न्यू और ओल्ड में बराबर बैठेगा, आप बिल्कुल एक ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वहां तक चले जाते हैं। तीसरा, आपने 15,50,000 रुपए तक आपकी अगर आय है और आपके पास 3,75,000 रुपए तक, 3,75,000 रुपीज तक की छूट लेने का प्रावधान है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, तो बिल्कुल आप ले लीजिए, आपका टैक्स ओल्ड और न्यू में बराबर रहेगा। तो वहां तक अगर आपकी आय है और आपके पास ये रिडक्शन है, तो आपको ओल्ड फायदेमंद है, मतलब आपके पास अगर आय 15 लाख है और आपका डिडक्शन 3,75,000 है, तो आपको ओल्ड में टैक्स की सेविंग होगी। जो टैक्स हमने निकाला है ये 15,50,000 रुपए तक निकाला हुआ है, अगर आपकी आय इससे कम है तो आपको टैक्स में फायदा होगा, लेकिन अगर आपके पास डिडक्शंस कम है तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको जाना होगा, क्योंकि आपके पास आपको टैक्सेस ज्यादा लगेंगे। और मैं फिर इसके बाद एक मूल मंत्र ये है आपके लिए, जो प्रियंका जी बिल्कुल आपको हर बार एक मूल मंत्र देती हैं, कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, वहां पर बिल्कुल उस टूल का इस्तेमाल कीजिए जो उन्होंने दिया हुआ है कंपैरिजन का, आप दोनों को कंपेयर कीजिए और जिसमें आपको फायदा हो बिल्कुल आप उसमें चले जाइए बेझिझक, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दीजिए, आपको इससे फायदा होगा। बिल्कुल, तो कंपेयर करके ही डिसाइड कीजिएगा, डिडक्शन के अपने लेवल को देखिएगा, इनकम को देखिएगा। इनफैक्ट जो सर बता रहे थे, आप जाइए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, आपको ये कंपैरिजन वाला कैलकुलेटर भी मिल जाएगा कि न्यू में कितना टैक्स लग रहा है, सारे अपने डिडक्शंस डालिए और पता कर सकते हैं। एक और बात, जो टैक्स रिजीम चुनने के साथ साथ कई कंपनियों के कर्मचारियों को ना फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स मिलते हैं, व्हीकल मेंटेनेंस मिलता है, फ्यूल रीइंबर्समेंट मिलता है, टेलीफोन इंटरनेट का खर्चा मिलता है, फूड कूपन मिलते हैं, क्या ओल्ड की तरह न्यू टैक्स रिजीम चुनकर इन बेनिफिट्स का फायदा लिया जा सकता है, या फिर फ्लेक्सी बेनिफिट्स अगर ले रहा है कोई इंप्लॉय तो उसको ओल्ड रिजीम में ही बने रहना चाहिए? देखिए, रिइंबर्समेंट कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है। जब भी आप किसी खर्चे को करके उसका एक्सपेंस अगर आपको एम्प्लॉयर से क्लेम करते हैं और एम्प्लॉयर के लिए वो खर्चा एम्प्लॉयर का खर्चा बन जाता है, मान लीजिए आप कन्वीनियंस का इस्तेमाल करते हैं और आपको एम्प्लॉयर आपको घर से आने के लिए, ऑफिस तक आने के लिए किसी तरह की कन्वीनियंस देता है, तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस है जो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं और ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं है। मैं छोटे ये जितने भी आपने एक्सपेंसेस मुझे बताए ये रिइंबर्समेंट बेसिस पर है। अगर आप सैलरी को स्ट्रक्चर इस ढंग से कराते हैं कि ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनते हैं, ये आपके रिइंबर्समेंट बेसिस पर, मतलब आपको एम्प्लॉयर जो है आपको ये एक्सपेंस अलाउ करता है, सब्जेक्ट टू आप उसकी रिसीट सबमिट करते हैं, मतलब खर्चा पहले आपने किया लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको उसको रिइंबर्स कर दिया, तो एक्चुअली आपका एक्सपेंस नहीं है, ये एम्प्लॉयर का ने अपना एक्सपेंस मान लिया। इसमें किसी तरह के आपके फूड के बिल हो सकते हैं, कोई आपके कन्वीनियंस हो सकती है, जितने भी फ्लेक्सी हेड्स हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, आपके ड्राइवर की सैलरी हो सकती है, जो आपको एम्प्लॉयर ने एक तरह से प्रोवाइड की हुई है ऐसे परक्विजिट, लेकिन परक्विजिट जो है वो क्योंकि एम्प्लॉयर उसको अपना एक्सपेंस मानता है, तो वो आपने सिर्फ पेमेंट की है उसकी, ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा वो कभी भी आपकी सैलरी का पार्ट नहीं हो। अगर वो आप CTC हो सकती है, कॉस्ट टू कंपनी हो सकती है, क्योंकि ड्राइवर की सैलरी अल्टीमेटली आप यूज कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट टू कंपनी है, CTC का पार्ट है, लेकिन ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ड्राइवर हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, उसकी सैलरी आपको एम्प्लॉयर ने दी है, तो वहां से आप छूट बिल्कुल ले सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, ओल्ड में तो थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ध्यान ये रखिएगा कि आपकी सैलरी का अगर वो पार्ट एक बार बन गया फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, और जितने का आप रिइंबर्समेंट के डॉक्यूमेंट्स हम एम्प्लॉयर को नहीं देंगे, वो एम्प्लॉयर आपको उसका एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा, और उन्होंने जितना पैसा आपको दिया, मान लीजिए आपने ड्राइवर के लिए 25,000 रुपए आपको मिले
और आपने उसकी रिसिप्ट नहीं दी एम्प्लॉयर को, तो नेचुरली ये आपका एक्सपेंस अब और ये आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, आपको इस पर टैक्स देना होगा, आपको फायदा हुआ है।